सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद सलाम या हुसैन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फिजमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब आज की डेट है 29 अगस्त, डे है मंडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 30 अगस्त ट्यूसडे के लिए। शुरुआत करते हैं KAC 100 इंडेक्स की समरी के साथ। इंडेक्स ने आज जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, 42,504 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं जनाब, 87 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। परसेंटेज के हिसाब से डिक्लाइन हुआ है 0.21% डिक्लाइन। आज जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं जनाब, 112.0 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि प्रीवियस डेज की बनस्बत लोअर हैं। तो अपने 5 डेज़ का जो एवरेज वॉल्यूम बनता है जनाब, 123.80 मिलियन, उसके भी बिलो हैं। इंडेक्स ने आज जो अपनी ओपनिंग दी थी जनाब, 42,541 के पास से दी थी। अपना जो लो पोस्ट किया है जनाब, 41,828 का किया है। अपना जो हाई पोस्ट किया है, 42,591 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है जनाब, वो बेरिश और अंडर प्रेशर रही है और वोलेटाइल मार्केट देखी गई है। कंपनीज़ की बात करें, 35 कंपनीज़ अप रही हैं, डाउन 50 रही हैं, अनचेंज 15 कंपनीज रही हैं। मतलब मिक्सअप जो है वो रुझान है। और टॉप 1 कंट्रीब्यूटर्स की बात करें जनाब, नंबर 1 के अंदर एडवांसर में ईफर्ट है, जिसने इंडेक्स के अंदर 39 पॉइंट्स ऐड किए हैं। सेकंड नंबर पे सिस्टम है जनाब, जिसने 30 पॉइंट्स ऐड किए हैं। उसके बाद BHL है जनाब, 10 पॉइंट्स ऐड किए हैं। UBL ने 8 पॉइंट ऐड किए हैं। ISL ने जनाब 8 पॉइंट्स ऐड किए हैं। MLCF ने 7 पॉइंट्स ऐड किए हैं। अगर डिक्लाइनर की बात करें, नंबर 1 पे HBL है, जिसने 25 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। लकी सीमेंट ने 20 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। PPL ने 18 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। नेस्ले ने 17 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। MTL ने 17 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। TRG ने 15 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। आज के वॉल्यूम डे स्टॉक्स की, नंबर 1 पे WTL है, जिसने 1.27 रुपीज़ के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, निगेटिव रहा है 2.31%। सेकेंड नंबर पे KEL है जनाब, जिसने 3.53 रुपीज़ के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 0.57%। थर्ड नंबर पे सीनर्जी है, जिसने 5.43 रुपीज़ के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव रहा है 1.63%। सेकेंड और फोर्थ नंबर पे PRL है जनाब, जिसने 18.98 रुपीज़ के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और नेगेटिव रहा है 0.52%। उसके बाद यूनिटी है जनाब, जिसने 22.92 रुपीज़ के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 0.75%। बात करते हैं आज के फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की, तो नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो AICL है, जिसकी EPS आई है 24 पैसा। आपको डिविडेंड भी दिया है 1.50 रुपीज़ का, Q2 का ये रिजल्ट है। सेकंड नंबर पे EBIT है जनाब, जिसकी EPS आई है 3.45 रुपीज़, डिविडेंड भी दिया है आपको जनाब 15 रुपीज़ का। और उसके बाद नंबर है जनाब पैकेज आई का, जिसकी LPS आई है 12 पैसा। उसके बाद नंबर जनाब अतबा का है, जिसकी EPS आई है 12.50 रुपीज़, और सॉरी EPS आई है 24.61 रुपीज़, डिविडेंड दिया है 12.50 रुपीज़ का, और आपको बोनस शेयर भी दिए हैं 25%। उसके बाद नंबर है जनाब AVN का, जिसकी EPS आई है 1.76 रुपीज़, और डिविडेंड वगैरह निल है। उसके बाद नंबर है जनाब ऑक्टोपस का, जिसकी EPS आई है 99 पैसा, डिविडेंड वगैरह निल है। उसके बाद नंबर है पेल का, EPS 1.20 रुपीज़ आई है। उसके बाद नंबर जनाब पाकरी का, जिसकी EPS 66 पैसा आई है। उसके बाद नंबर है जनाब SIBL का, LPS 94 पैसा है। उसके बाद जनाब नंबर है UVC का, जिसकी LPS 27 पैसा है। उसके बाद नंबर है जनाब SNBL का, जिसका जिसकी EPS 17.17 रुपीज़ आई है। और उसके बाद नंबर है ZIL का, जिसकी LPS 19.77 रुपीज़ आई है। जनाब ये थी आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट। करते हैं कल के लिए बोर्ड मीटिंग के शेड्यूल की, 30 अगस्त का। तो जनाब नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो एमको है, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस इसकी कॉल है जनाब। और इसका जो एजेंडा है मीटिंग का वो एनुअल अकाउंट है। उसके बाद जनाब RICL की मीटिंग है जनाब कराची के अंदर, और मीटिंग एजेंडा हाफ ईयरली अकाउंट है। उसके बाद HICL की मीटिंग है कराची के अंदर, का भी एजेंडा हाफ ईयरली अकाउंट है। और इविक की मीटिंग है कराची के अंदर, हाफ ईयरली अकाउंट एजेंडा है। AGP की मीटिंग है कराची के अंदर, हाफ ईयरली अकाउंट इसका एजेंडा है। तो ये था कल के लिए बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल। हैं आज की इंसाइडर ट्रांजेक्शन की, तो नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो MTL है, तो इसके अंदर बाइंग हुई है जनाब, और तकरीबन सारी ट्रांजेक्शन इसके अंदर ही हो रही हैं।
2500 की पहली ट्रांजेक्शन है, उसके बाद 245 शेयर्स की ट्रांजेक्शन है, थर्ड जो है 200 की है, और प्राइस तकरीबन सबकी 868 की प्राइस नज़र आ रही है। और इसके बाद जनाब फोर्थ ट्रांजेक्शन भी जनाब MTL की है, तो मतलब तकरीबन सारी ट्रांजेक्शन हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। 29 अगस्त की जो लास्ट ट्रांजेक्शन हुई है जनाब, वो हुई है 10,380 शेयर्स की 870 की प्राइस के ऊपर। मतलब आज इंसाइडर ने जनाब कंपनी के कॉर्पोरेट ने बाइंग की है MTL के अंदर। और इसके बाद जो मुझे ट्रांजेक्शन नज़र आ रही है जनाब 29 अगस्त की, वो नज़र आ रही है जनाब STML के अंदर। तो STML के अंदर बाइंग हुई है जनाब, देखते हैं कि माइनर ट्रांजेक्शन है या मेजर ट्रांजेक्शन है। 12,500 शेयर्स की बाइंग हुई है 35.84 रुपीज़ की प्राइस के ऊपर। और उसके बाद एयरलिंक के अंदर जनाब ट्रांजेक्शन हुई है, बाइंग हुई है, और 2,80,000 शेयर्स की बाइंग हुई है 40.55 रुपीज़ की प्राइस के ऊपर। तो ये थी आज की इंसाइडर ट्रांजेक्शन, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा की, तो आपके सामने आज का डेटा मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉरनर इन्वेस्टर की जो नेट पोजीशन है वो बाइंग के ऊपर है, 1.17 US मिलियन की आज उन्होंने बाइंग की है। और जहाँ उन्होंने अच्छी बाइंग की ना, वो की है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, सीमेंट सेक्टर के अंदर और फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर उनकी बाइंग नज़र आ रही है। और इसके बाद जनाब नंबर आता है लोकल डेटा का, लोकल डेटा में नंबर 1 पे इंडिविजुअल हैं। इंडिविजुअल की जो नेट पोजीशन है जनाब वो सेल के ऊपर है, 0.39 बिलियन की नेट सेल की है। जहां अच्छी सेलिंग की है वो की है फर्टिलाइजर के अंदर और सीमेंट सेक्टर के अंदर। इसके बाद नंबर था कंपनीज़ का, कंपनीज़ की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 0.58 मिलियन की नेट बाइंग की है। जहाँ इन्होंने अच्छी बाइंग की जनाब वो की है बैंक्स के अंदर। और इसके अलावा इनकी बैंक नज़र आ रही है जनाब तो हल्की फुल्की, वो सीमेंट सेक्टर के अंदर नज़र आ रही है। इसके बाद नंबर था जनाब बैंक्स का, तो बैंक्स की नेट पोजीशन भी बाइंग के ऊपर है, 0.38 मिलियन की बाइंग की है। इसके बाद नंबर आता है म्यूचुअल फंड का, म्यूचुअल फंड की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 0.30 मिलियन की बाइंग की है। उसके बाद नंबर आता है जनाब अदर्स इंस्टीट्यूट का, तो अदर्स इंस्टीट्यूट की जो नेट पोजीशन है वो भी बाइंग के ऊपर है, 0.12 मिलियन की नेट बाइंग की है। उसके बाद नंबर आता है जनाब ब्रोकर्स का, ब्रोकर्स की नेट पोजीशन जनाब सेल के ऊपर है, 0.08 मिलियन की नेट सेल की है। इसके बाद नंबर आता है इंश्योरेंस कंपनीज़ का, तो इंश्योरेंस कंपनीज़ की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 2.17 बिलियन की नेट सेल की है। जहां इन्होंने अच्छी सेलिंग की है 1.29 बिलियन की जनाब वो की है बैंक्स के अंदर। अच्छा जनाब बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा की, तो आपके सामने आज का 29 अगस्त का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी तक फ्यूचर का जो अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट है उसकी अभी तक ट्रांजेक्शन जारी हो सारी है, जो कि कल ट्यूसडे तक फाइनलाइज हो जाएगी और जो भी एडजस्टमेंट है वो कल कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद जस्ट आपको सितंबर का जो फ्यूचर इंटरेस्ट है वो यहाँ पर नज़र आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सितंबर का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इंटरेस्ट है वो इंक्रीज़ हुआ है, 3.2% इंक्रीज़ हुआ है। प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है क्योंकि इंटरेस्ट अपना जो लो पोस्ट किया है 41,800 के अराउंड किया है, अपने क्लोजिंग जो दी है 42,500 के अराउंड दी है। मतलब प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हुई है, उसका मतलब है बाइंग इंटरेस्ट को इंडिकेट कर रहा है या कम से कम शॉर्ट कवरिंग को इंडिकेट कर रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो जनाब जो सबसे ज़्यादा मुझे चेंज नज़र आ रहा है जनाब वो 20.4% इंक्रीज़ हुआ है ATRL का, और 9.1% इंक्रीज़ हुआ है लक्की सीमेंट का। और उसके बाद जो मुझे चेंज नज़र आ रहा है जनाब माइनस हुआ है, 4.1% डिक्रीज़ हुआ है PSO का। इसके टेक्निकल चार्ट की, तो आपके सामने डेली चार्ट ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कैंडलस्टिक आज बनी है जनाब वो बनी है हैमर कैंडलस्टिक अपेयर हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर आपको नज़र आ रही होगी, मैं आपको चार्ट को थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये नाम हैमर कैंडलस्टिक अपेयर हो रही है जो कि रिकवरी को फेवर कर रही है। और इंडेक्स ने अपना जो आज वीकली बॉटम था 41,800 के अराउंड उसको टेस्ट किया, उसको टेस्ट करके क्लोजिंग जो अपनी एडजस्ट की है 42,504 के ऊपर की है। अब इंडेक्स के पास जनाब जो फर्स्ट बनने की रेजिस्टेंस वो 42,788 की है, आप 42,800 समझ लें, राउंड फिगर ले लें। और जो सेकंड जो रेजिस्टेंस है वो 42,997 की है, आप 43,000 का लेवल समझ लें। और उसके बाद अगर सपोर्ट की बात करें जनाब, फर्स्ट सपोर्ट बनती है 42,273 की है, और जो सेकंड माइनर सपोर्ट है वो 42,076 की है, जो कि मेजर सपोर्ट है वो 41,700 से लेके 800 के अराउंड है। मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया क्योंकि मेजर सपोर्ट है वो आज इंडेक्स इसको टेस्ट कर चुका है, लेकिन फिलहाल जो पोजीशन है हैमर कैंडलस्टिक रिकवरी को फेवर करती हुई नज़र आ रही है। तो कल का दिन जो है मुझे पॉजिटिव ट्रेंड मुझे मार्केट के अंदर नज़र आ रहा है, और एटलीस्ट इंडेक्स जो है 42,800 से लेके 43,000 का जो रेजिस्टेंस रीजन है इसको टेस्ट कर सकता है,
लेकिन जब तक IMF की न्यूज़ कंफर्मेशन नहीं होती है तब तक इंडेक्स के आपके अंदर जो है अनसर्टेनिटी रहेगी। तो मेरे हिसाब से आपको भी जो है डे ट्रेड की पोजीशन लेनी चाहिए, फिलहाल इन्वेस्ट करने से अवॉइड कीजिएगा। जब तक मार्केट के अंदर कोई अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर नहीं लगता है आप फिलहाल डे ट्रेड के ऊपर ही रहें, यही बेहतर स्ट्रेटेजी रहेगी। ठीक है ना, तो ये था छोटा सा व्यू आपके साथ शेयर किया है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।